जी जनाब, सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, व्हेन nth टर्म इज दिस, nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, पहली तीन टर्म्स फाइंड करनी है। अब किसी भी सीक्वेंस के अंदर जब आपको nth टर्म का फॉर्मूला दे दिया होता है तो आपको पता है, आपने nth टर्म का फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक सीक्वेंस में पढ़ा हुआ है, nth टर्म का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू एन माइनस वन, ये पढ़ा हुआ है ना आपने। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी है, आप एन की जगह पे वो लिख देते हैं, यानी कि फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू फाइव माइनस वन। जब आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी थी तो आपने हर एन की जगह पे पांच लिख दिया, राइट। जब आपने सिक्स या फॉर एग्जाम्पल 17th टर्म फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू 17 माइनस वन, तो आपने एन की जगह पे 17 लिख दिया। इसी तरीके से ये जो आपके पास इन्होंने nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये जनरल टर्म है, और आप इसमें एन की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं और फिर आपके पास वो वाली टर्म आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पहली तीन टर्म्स फाइंड करनी है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है जी एन स्क्वायर माइनस टू एन। तो मेरे पास अगर फर्स्ट टर्म मैंने फाइंड करनी होगी तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए मैं एक्स इज इक्वल टू सॉरी एन इज इक्वल टू वन रख दूंगा। तो मेरे पास जो है वो है जी एन स्क्वायर माइनस टू एन, यानी कि ये होगा वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन, यानी कि वन माइनस टू यानी के माइनस वन। दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके, सेकेंड टर्म की कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्स जो है वो इक्वल टू टू रखना पड़ेगा, एन सॉरी, और फॉर्मूला है जी एन स्क्वेयर माइनस टू एन, यानी के टू का स्क्वेयर माइनस टू इंटू टू यानी के फोर माइनस फोर यानी के जीरो। दिस विल बी योर सेकेंड टर्म। और अगर आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी होगी तो आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए वही काम करेंगे जो अभी हम करते आए हैं कि हम लोग एन इज इक्वल टू थ्री रख देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है जी एन स्क्वेयर माइनस टू एन इज इक्वल टू थ्री स्क्वेयर माइनस टू इंटू थ्री, थ्री का स्क्वेयर होता है नाइन, टू इंटू थ्री होता है सिक्स, तो माइनस थ्री सॉरी प्लस का थ्री विल बी योर आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है डैट इज एक्चुअली माइनस वन जीरो एंड थ्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी, तीन नंबर है और वो जीपी में है और उनका सम 70 के इक्वल है। एक लाइन में उन्होंने तीन बातें आपको बता दी हैं, यानी कि ये लाइन का हर लफ्ज जो है वो सोने में तोल के उन्होंने आपको दिया है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 70। तीन नंबर्स हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है उसे हम A1 कह दें, सेकंड को A2 कह दें और तीसरे को A3 कह दें, और ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो उन्होंने हमें यहाँ पे दी है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें उन्होंने दी है वो ये है कि इनका जो सम है वो 70 के इक्वल है। तो यानी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को ऐड करूं सेकंड टर्म में और उसमें ऐड करूं थर्ड टर्म, तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 70। ओके, और फिर उसने कहा है कि इफ द टू एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाइड ईच बाय फोर, यानी कि दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को जो एक्सट्रीम में है, यानी कि लोएस्ट और हाईएस्ट जो नंबर है, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं चार के साथ, और जो ज्योमेट्रिक मीन है यानी कि जो सेंटर में आ रहा है, आपको पता है एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर तीन टर्म्स में से जो सेंटर वाला होता है उसे ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। इसी तरीके से एक अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर तीन टर्म्स अगर आपको दी गई हो तो उनमें जो दरम्यान वाली होती है उसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने कहा कि फर्स्ट टर्म जो एक्सट्रीम्स हैं उनको चार से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो बात उसने लिखी है वो मैं यहाँ पे आपको बोल के बताता हूँ। इनको अलग अलग कर लेते हैं, इन तीनों बातों को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसने कहा कि जो एक्सट्रीम है उनको मल्टीप्लाई कर दें चार के साथ, यानी कि A1 को चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4A1 हो जाएगा, और A3 को भी आप चार से मल्टीप्लाई कर देंगे 4A3 हो जाएगा, और जो सेंटर वाला है उसको पांच से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 5A2 हो जाएगा। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं ये AP में आ जाते हैं, ये तीनों नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाते हैं, और नंबर्स जो हैं वो आपने बताने हैं कि वो क्या है। अब देखें आपके पास तीन अननोन वेरिएबल्स हैं, पहला
A1, दूसरा A2 और तीसरा A3। ओके, दूसरी चीज ये है कि आपके पास तीन ही रिलेशनशिप्स हैं। एक रिलेशनशिप आपके पास इक्वेशन की टर्म्स में है और दो रिलेशनशिप हैं वो उन्होंने आपको, एक को बताया हुआ ये GP है और दूसरे को बताया वो AP है। तो अगर ये तीन नंबर्स GP में हैं तो क्या यहां से मैं कोई इक्वेशन निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल, मुझे पता है अगर ये तीन नंबर इक्वेशन में है तो थर्ड टर्म को, या अगर ये तीन नंबर एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है तो थर्ड टर्म को जब मैं डिवाइड करूंगा सेकंड टर्म से तो वही आंसर आता है जो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करने से आता है। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन निकलेगी कि थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म का स्क्वायर, राइट? ओके, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ये हमारी एक इक्वेशन है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन तो हमारे पास बनी हुई है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 70। तीसरी, यहां से भी मैं एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं कि अगर ये एपी में है तो थर्ड टर्म जो इस एपी की है उसमें से जब मैं सेकंड टर्म माइनस करूंगा उस एपी की तो वही आंसर आना चाहिए जो उस एपी की सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने से आता है। दिस इज अनदर इक्वेशन। अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशंस हैं, हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये एक काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया है कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्टिंग का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि आपके सामने आंसर नजर आ रहा होता है, आपने सिर्फ करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है और रॉन्ग आंसर्स को आपने एलिमिनेट करना है, ठीक है जी? तो हमें उन्होंने तीन निशानियां बताई हैं तीन नंबर्स की। अगर हम लोग इन तीनों निशानियों को क्विकली चेक कर लें तो शायद वो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। यानी कि बजाय इसके कि मैं इनको यहां से सॉल्व करूं, जो कि मैं कर सकता हूं, एक लेंथी प्रोसीजर होगा, लेकिन मैं ये करता हूं कि मैं यहां पे चेक करता हूं कि ये जो नंबर्स इन्होंने ऑप्शंस में दिए हुए हैं क्या ये इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जो सबसे आसान कंडीशन है वो ये है कि इनका सम 70 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या पहली ऑप्शन का सम 70 के इक्वल है? मैं इसके ऊपर एक टिक लगा देता हूँ, बिल्कुल है, क्योंकि 18 और 12 30 और 40 70 हो जाता है। क्या दूसरी इक्वेशन का सम 70 के इक्वल है? मैं इसके ऊपर क्रॉस लगा दूंगा, इसका सम 70 के इक्वल नहीं है, दिस कैन नॉट बी ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन सी को देखते हैं, क्या इसका सम 70 के इक्वल है? जी बिल्कुल, इसका सम 70 के इक्वल है। तो ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन डी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते जब तक ए और सी दोनों हमारे पास स्पेसिफिकली कैंसिल नहीं हो जाएंगी, इनके ऊपर क्रॉस नहीं लग जाएगा, उस वक्त तक हम ऑप्शन डी को टिक नहीं करेंगे। तो हमने ए और सी के दरम्यान में अब मुकाबला रखना है। तो देखें जरा गौर से देखा, हमने सिर्फ एक कंडीशन को ही देखा तो हम चार में से दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में कामयाब हो गए। यानी कि एक ऑप्शन तो हमने पक्की पक्की एलिमिनेट कर दी और अब दो ऑप्शंस के दरम्यान में मुकाबला जारी है, ए और सी के दरम्यान में, कि जब इन दोनों के दरम्यान में से हमें करेक्ट बात पता चलेगी हम उसको टिक कर देंगे, अगर ये दोनों ही गलत साबित हो गई, बाकी कंडीशंस को फुलफिल ना कर सकी, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन जो सबसे ईजी है वो ये है कि ये क्या नंबर एक दूसरे के साथ मैट्रिक सीक्वेंस में है, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाए? जी बिल्कुल, 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। और क्या 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने से 14 आता है? यानी कि जो यहां से यहां पे फॉलो हो रहा है क्या वो भी यहाँ पे यहां से यहाँ पे फॉलो हो रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है। 18 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 के साथ तो योर आंसर इज 27। तो ये क्रॉस लग गया, ये जो ऑप्शन ए है ये इस दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, तो इसके ऊपर हम बड़ा क्रॉस लगा देते हैं क्योंकि ये ऑप्शन भी एक करेक्ट ऑप्शन अब नहीं हो सकती क्योंकि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, 40 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 20 बन जाए 0.5 से, और 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 10 बन जाए 0.5 से। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी है, मैं यहाँ पे दूसरा टिक भी लगा देता हूँ। तो ऑप्शन सी ने दो टेस्ट पास कर लिए हैं, अब तीसरा टेस्ट भी करना जरूरी है। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज ना लिखा होता, कोई और ऑप्शन होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 12, 18 और 27, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर चुके होते हैं सबसे पहले वाले टेस्ट में, क्योंकि 12, 18 और 27 को जमा करें तो 70 नहीं बनता। तो फिर मैं तीसरी इक्वेशन या तीसरी जो कंडीशन है उसको चेक किए बगैर ही मैं कहता कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अब क्योंकि यहां पे ऐसे नहीं है, नन ऑफ दीज भी है, तो सी और डी के दरम्यान में कांटेदार मुकाबला जारी है। सी दो कंडीशंस को फुलफिल कर चुका है, तीसरी कंडीशन को देखते हैं कि सी की दोनों एक्सट्रीम को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बनता है 160, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बनता है 40, और सेंटर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बनेगा 100। तो क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है?
जी बिल्कुल, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 160 में से 60 माइनस करें तो 100 बनता है, और इसमें से 60 माइनस करें तो 40 बन जाता है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो इस वक्त -60 का है। तो जनाब ऑप्शन सी जो है ये सुरखरू हो चुकी है, इसने पहली कंडीशन को भी जीता, दूसरी को भी जीता, तीसरी को भी जीता, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो फिर खत्म हो जाएगी क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन मिल चुकी है। तो दिस इज हाउ वी यूज ऑप्शन एनालिसिस, और ऑप्शन एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए हम करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, चलें जी हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी बड़ा मजे का सवाल है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14। यहां से दो बातें पता चली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है और जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो 14 है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स ओके, एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ, यहां पे हमें इसको ऐसे कहना चाहिए, द फर्स्ट फाइव टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ओके, इस बात का क्या मतलब है? यहां से लेकर यहां तक द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ये वो चीज है जहां से हमने एक इक्वेशन डेवलप करनी है। देखें, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स को मैं कहूंगा सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स S5, एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। बट ऑपोजिट इन साइन, ऑपोजिट इन साइन का क्या मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक का साइन नेगेटिव है। अब आप -S5 इज इक्वल टू S10 भी लिख सकते हैं, या आप -S10 इज इक्वल टू S5 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीकों से आपका आंसर ठीक होगा। राइट, तो जनाब मैं इस तरीके से लेकर चलता हूं कि S5 इज इक्वल टू -S10। ये एक इक्वेशन उसने मुझे बता दी, और पूछा क्या है? थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछा है। अच्छा, थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमने फाइंड करनी है तो तमाम इंफॉर्मेशन को देखने की जरूरत नहीं होती। हमेशा सीए के जितने भी क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे, आपने देखना है कि आपको चाहिए क्या, आपने अपनी रिक्वायरमेंट से वर्क बैक करना है। हमेशा आपने देखना है कि व्हाट डू यू नीड, और उस नीड को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। तो थर्ड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका फॉर्मूला होगा जी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इंटू N-1। राइट, तो इस केस में एन क्या है? 3 है। तो थर्ड टर्म इज फर्स्ट टर्म यानी के 14 प्लस डी, आपको नहीं पता कॉमन डिफरेंस, डी इज नॉट नोन, जिसको मैंने 3-1 यानी के 2 से मल्टीप्लाई करना है। डी मुझे मिलेगा, मैं यहां पे लिखूंगा, मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो जनाब अब मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस। उसके लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स इज इक्वल टू माइनस सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, अर्थमेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट फाइव टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है? हमें जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है जी, N/2 इंटू 2a प्लस डी इंटू N-1। राइट, ओके, तो यहाँ पे 5/2 बनेगा इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म है जी 14 प्लस कॉमन डिफरेंस अननोन है, यही तो फाइंड आउट करना है। एन क्या होगा? 5 होगा, 5-1 यानी के 4। और दूसरी तरफ अगर मैं इक्वल टू का साइन लिखूंगा, फिर उसके बाद माइनस का साइन लिखूंगा, और उसके अंदर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला लिख दूंगा, विच इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू 14 फर्स्ट टर्म 2a प्लस कॉमन डिफरेंस नहीं पता, फाइंड आउट करना है N-1, 10-1 यानी के 9। ठीक है जी, तो दिस इज योर इक्वेशन जो के अब आपने सॉल्व करनी है। अब यहां से इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, बहरहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये बनेगा जनाब 5/2 और 28 प्लस 4d, और यहाँ पे बनेगा -5 × 28 प्लस 9d। ओके, आगे चलते हैं जनाब, इसको सॉल्व करते हैं। हम 2 उधर जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास जो डी का आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू लाइक दिस। तो जनाब जब आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस इज -3.8181, और अब आपने इसको इस फॉर्मूला में पुट करना है -3.8181, तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू 6.3636 ऑनवर्ड। तो थर्ड टर्म इज 6.3636, और आप इसे कह सकते हैं कि डेट इज एक्चुअली इक्वल टू 70/11। राइट, दिस इज हाउ
यू कैलकुलेट दिस आंसर। तो यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।